दोस्तों अभी देखिए फिर इस सिग्नल इलेक्ट्रिक्स कंट्रोलर एससीबी से इलेक्ट्रिक्स कंट्रोलर जो केबल जाता है, अभी केबल गिरा है, केबल गिर के गलन भी हो गया है। ये देखिए गलन हो गया है, इसका शेप में भी बना दिए हैं अभी, और लॉक भी लगा दिए हैं, अभी पंचिंग हो रहा है। ठीक है, ये 4 नंबर का है, ये देखिए ये 3 है, इसको अभी पंचिंग मार के फिर टर्मिनेट हो जाएगा। ये 7 है, ऑलरेडी रेडी किया हुआ है, अभी पंचिंग चल रहा है। ये देखिए पंचिंग हो गया है, ये 6 नंबर का है, ये देखिए पंचिंग हो गया। अब इसमें टेप चढ़ा के टर्मिनेट हो जाएगा इस जगह ये जगह में। अभी फिर जैसे के लिए भी पंच हो गया 5 नंबर, ये 1 नंबर। तो इसमें देखिए हम लोग फेज का लोड जो है उसको भी ध्यान में रखते हुए इसको भी टर्मिनेशन देना पड़ता है, क्योंकि 2 फेज का है, एक फेज में ज़्यादा लोड दे देंगे तो मुश्किल होगा। इसलिए देखिए 1 नंबर को दिया है RY में, अभी 2 नंबर को देंगे YB में, अब इसको पंचिंग चल रहा है, और 3 नंबर का देंगे, 3 नंबर उधर है, RY हो गया, YB भी हुआ, YB अभी 3 नंबर आ गया इधर। ये देखिए BR 3 नंबर को दिया है, BR 4 नंबर के दिया, फिर से RY करके फिर 5 नंबर के जाएंगे। पाँच नंबर में YB, 6 नंबर में DR और 7 नंबर में दिया है RY, रिटर्न हो रहा है RYB, RY, YB, BR, ऐसे करके उसको रिटर्न, मतलब हर फेज में मेरा लोड समान होना चाहिए, नहीं तो एक लीड में, एक फेज में, 2 फेज में दे देंगे तो पूरा लोड हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा लोड कैपेसिटी। तो ये है SCP साइड का, अभी जो देखा है तो SCP साइड का, यह है इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर साइड, वही केबल इधर आ रहा है, ये 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ये देखिए इसमें अभी लॉग होगा, पंचिंग होगा, टर्मिनेशन होगा। तो फिर टर्मिनेट करने का टाइम थोड़ा दिखाएंगे, जैसे जैसे अभी फॉर्मूला द लिख के रखा है उसी हिसाब से हम लोग टर्मिनेशन करेंगे, ताकि लोड कैपेसिटी मेरा ठीक ठाक रहे। हो गया, डबल लीड आएगा, इसका डबल लेंथ है, टेप भी मारा गया है, अब इसको टर्मिनेट करेंगे, फुल कंप्लीट मार दिया है, सब में हो गया। अभी जाएंगे इसी पैनल में, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर में अभी काम चलेगा मेरा। ये देखिए इधर अभी जोगाड़ लिया है, अभी इसी में शुरू कर रहा हूँ, लागू डालेंगे अभी, फिर पंच मार के टर्मिनेट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है इसकी साइड में मेरा टर्मिनेशन, लाइटिंग टर्मिनेशन हो गया है, ये फुल कंप्लीट है। SCP के लिए जो इसी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर में जा रहा है।
अभी ऑपरेटर का भी टर्मिनेशन चल रहा है। ये देखिए कंप्लीट हो गया है कनेक्शन, अभी हीटर का चल रहा है ऑपरेटर का पावर केबल, तेज प्यार वाला है। कहाँ अभी हम इधर का रेड कर रहा हूँ, देखिए कंट्रोलर का लॉक्स को भी फिटिंग किया है, इसको पंच मार के फिर टर्मिनेट हो जाएगा। ये रेड वाला जाएगा ए में और ये ब्लैक का दो को जाएगा बी में, फिर यहाँ से आउट होगा सी से रेड चला जाएगा ट्रांसफार्मर में और ब्लैक चला जाएगा डी से ट्रांसफार्मर में। अब इसको रेडी किया है, अब इसमें करने वाला हूँ। इधर देखिए हम लोग अभी एक तरफ से कंप्लीट किए हैं, अभी देखिए इनकमर वाला फुल टाइटनेस लॉक पंचिंग हो गया है, टाइटनेस भी हो गया है। ये हमें रेड लगा है बी में ब्लैक, सी से रेड आउट होगा, डी से ब्लैक आउट होगा, वो चला जाएगा ट्रांसफार्मर टीआरएफ में। ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, देखिए ये भी कंप्लीट है। ये भी पंचिंग हो रहा है, आप इसको पंच मार के इसी तरह कनेक्शन हो जाएगा, इसी तरह कनेक्शन हो जाएगा। एक दो तीन पैनल बचा है, चल रहा है काम। पैनल में जब पैनल आता है उसमें क्या क्या नहीं रहता है वो अलग से आता है, जैसे कि एक नंबर ये इंटरलॉक नहीं आता पैनल के साथ नहीं आता है, ये अलग से आता है, हम लोग इसको शो इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इसमें इंटरलॉक की में देखिए नंबर भी है, पास भी लिखा है। ठीक है, ये सात नंबर पैनल है सी पास, मतलब तीन नंबर का सी पास है, यूनिट थ्री है पास सी है। ये देखिए पास थ्री सी पास तीन नंबर यूनिट सेवन नंबर पैनल, ये अलग अलग की का अलग अलग नंबर, जैसे ये देखिए ये तीन नंबर का है सी पास है और छः नंबर पैनल है, इसका चाबी इसमें हम डाल नहीं सकते, लगेगा नहीं, ये अपना सेपरेट होता है। दो नंबर में क्या लगाना पड़ता है, ये जो आर का डिस्प्ले ये भी अलग से आता है, इसको डालना पड़ता है, डाल के इसको कनेक्शन दिया जाता है केबल से। ये देखिए और वो जो आर मॉड्यूल दिख रहे हैं इसको भी इंस्टॉल किया है, इसका भी वायर को कनेक्शन किया है और ऊपर में एंटेना भी लगा है उसी का साथ में आरएफ गेन के लिए। और ये जो फायरिंग किट ये भी अलग से आता है, इसको भी हम लोग इंस्टॉल करके कनेक्शन डाला है, तो ये सब अलग से आता है पैकिंग, उसको हम लोग लेके फिर खोल के इसको लगाते हैं, बाकी सब पैनल का अंदर में आता है। ये अभी फुल कंप्लीट टर्मिनेट हो गया है, इनकमिंग वाला जो तीन पैनल बचा था वो भी कर दिया है, ये देखिए। और ये देखिए ये देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, सातों का सातों पैनल फुल कंप्लीट हो गया है टर्मिनेट इनकमर वाला केबिल। अब इसको टाइटनेस, इसका हेल्थीनेस चेक करेगा, टाइटनेस होगा और कॉन्टिन्यूटी टेस्ट होगा, फिर एसी होगा, फिर लैम्प लोड होगा, उसका बाद टीयर अप में जाएगा।
तो देखते रहिए दोस्तों, विद्युत इलेक्ट्रिकल से आप लोग को नया नया और देने वाला हूँ। जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे मैं वीडियो डालते जाऊँगा। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद।